दिल्ली में 13 मई 1905 को जन्मे फखरुद्दीन अली अहमद का परिवार असम का रहने वाला था, उत्तर प्रदेश के गोंडा, और बाद में दिल्ली में उनकी पढ़ाई हुई। लंदन से कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने लाहौर में वकालत शुरू कर दी। इन्हीं दिनों वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में आए। ये 1928 का साल था। दोनों बड़े नेताओं ने उन्हें अपने राज्य असम लौटने की सलाह दी। इसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद असम में आज़ादी के आंदोलन का बिगुल बजा रहे थे। कई साल उन्होंने जेल में भी काटे। असम की संस्कृति फखरुद्दीन अली अहमद के भीतर रची बसी थी। 1935 और आज़ादी के बाद 1957 में वो असम विधानसभा के लिए चुने गए। राज्य सरकार के अनेक विभागों के वो मंत्री रहे। जब देश आज़ाद हुआ तो वो असम के एडवोकेट जनरल थे। राज्यसभा के गठन के बाद अगले ही साल वो इस सदन के लिए चुने गए। 13 साल बाद यानी 1966 में वो फिर राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्र में सिंचाई, ऊर्जा, शिक्षा, कृषि और खाद्य मंत्री के तौर पर देश की बुनियादी नीतियों को आगे बढ़ाया। खेलों में उनकी काफी दिलचस्पी थी। वो फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस के शौकीन थे। 1972 में वो भारतीय लॉन टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। कांग्रेस ने 1974 में फखरुद्दीन अली अहमद को राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया। उस समय वो असम के बारपेटा से लोकसभा के लिए चुने गए थे और केंद्रीय मंत्री थे। चुनाव में उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। भारत के 5वें राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल घटनाओं से भरपूर था और चल ही रहा था कि 11 फरवरी 1977 को उनका देहांत हो गया।